देश और दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मोबाइल कंपनियों में ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को अपने से जोड़ने के लिए एक अघोषित लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के चक्कर में ग्राहकों को फायदा हो रहा है। जियो के आने के बाद से मोबाइल के क्षेत्र में डाटा का प्रयोग काफी बढ़ा है और प्लान सस्ते होते जा रहे हैं। हालात यह है कि लगातार एक दूसरे की टक्कर पर कंपनियां नए नए प्लान लॉन्च कर रही हैं। कुछ दिन पहले तक तो सिर्फ कॉल्स और डाटा को पैक को लेकर मोबाइल कंपनियों में टक्कर चल रही थी, लेकिन अब कंपनियां की यह लड़ाई एड ऑन पैक पर भी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले जियो अपना एड ऑन प्लान लेकर आया था, अब एयरटेल भी एड ऑन प्लान लाया है, यानी पुराने चालू प्लान में अतिरिक्त फायदा। एयरटेल ने 49 रुपये और 193 रुपये के दो नए एड ऑन प्लान लॉन्च किए हैं। फिलहाल ये प्लान दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे शहर में दिए जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि जल्द ही इन प्लान को अन्य शहर में भी शुरू किया जाएगा। प्लान के अनुसार यदि ग्राहक का रोज मिलने वाले डेटा को खत्म कर लिया है तब वह एड ऑन पैक का प्रयोग कर सकता है। यह एक टॉप अप की तरह काम करेगा। बताते चले कि रिलायंस जियो पहली टेलीकॉम कंपनी थी जिसने इस प्रकार के एड ऑन प्लान को पेश किया था। एयरटेल के 49 रुपये के एड ऑन प्लान में ग्राहक को कुल 1 GB डेटा मिलेगा। इस एड ऑन प्लान से ग्राहक के जारी प्लान की वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं 193 रुपये के पैक में ग्राहक को प्रतिदिन 1 GB डेटा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर यूजर 28 दिन की वैधता वाले 349 रुपये के प्लान का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें 2.5 GB डेटा प्रतिदिन मिलता है, तो 193 रुपये का रिचार्ज कराने पर ग्राहक को 1 GB डेटा प्रतिदिन अतिरिक्त कुल 3.5 GB मिल जाएगा। इस अतिरिक्त डेटा का इस्तेमाल भी 28 या बाकी बचे दिनों में ही किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि जियो अपने ग्राहकों को 11 रुपये से 101 रुपये के बीच कुल 4 एड ऑन पैक्स की सुविधा दे रहा है। 11 रुपये में 400 MB, 21 रुपये में 1 GB, 51 रुपये में 3 GB और 101 रुपये में 6 GB डेटा दे रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।